दोस्तों ये काबुली चने बनाने की रेसिपी। पहले काबुली चने लो, उसमें पानी डालो। अपन ये पानी डाल दिया, इसको लगभग 15 से 20 मिनट घंटा पर इसको भीगने दो। भीगने के बाद उसके बाद इसको कुकर में डालो, कुकर में डाल दो इसको, ये कुकर में। और उसके बाद इसमें सीटी लगाओ, चने उबल गए। देखो ये चने उबलने के बाद एक भगोले में इसमें निकाल दो ये चने। ये हरी मिर्ची, इसको हरी मिर्ची लो पहले, उसके बाद यह एक मिर्ची स्वाद के अनुसार ये थी काटो आप। ये मिर्ची एक हरी मिर्ची हो गई आप, इसमें टेस्ट के हिसाब से तीखे के हिसाब से ये मिर्ची हो गई। और इसमें एक प्याज काटो, चार पांच मैंने प्याज लिए, ये प्याज कटिंग कर रहे हो। ये प्याज काटने के बाद इसको ये प्याज करके पहले पूरा मसाला तैयार करो। ये समझ लो ये प्याज मैंने काटी, प्याज काटने के बाद ये हो गया प्याज अपना, ये दूसरी प्याज की। ओके, ये लहसुन छीलो, लहसुन छीलने के बाद समझ लो ये हो गया। फिर ये मिर्चे, ये मिर्चें हैं, फिर इसमें मिक्सर ग्राइंडर कर कद्दूकस कर दो आप। फिर ये लहसुन, लहसुन भी इसमें डालो। लहसुन डालने के बाद, लहसुन डालने के बाद इसको कूटनी पड़ेगी, ये समझ लो। ये हो गया देखो कद्दूकस, मिर्ची और लहसुन। एक इसमें प्लेट में निकाल, ये देखो ये निकाल दिए अपन प्लेट। ये टमाटर है, देखो एक टमाटर है, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा है, इस हिसाब से आप ले लो एक टमाटर। ये टमाटर उसको फिर छोटे छोटे पीछों में बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे पीस में इसको काटना पड़ेगा बारीक, जितने बारीक जितना बारीक आप काटना चाहते हो जितने। ऐसा नहीं कि ग्लेंडर कर दो, ग्लेंडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बारीक बारीक काटना चाहिए प्याज। ये टमाटर इतना बारीक 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 काटते जाओ। ये हो गया टमाटर बिल्कुल कटिंग हो गया, फिर ये पीसे का भाग इसको डालने की ज़रूरत नहीं है आप, इसको बाहर फेंक दो। ये बस अब ये टमाटर देख लो छोटे पीसों में। फिर ये हरा धनिया, हरा धनिया बोले तो ये, या फिर छोटे छोटे ये काटो। ये लास्ट में सब्जी बनने के बाद उसके ऊपर सारा धनिया काटे हुए, उसके सब्जी होने के तैयार होने के बाद हरे धनिया डाले जाएंगे। अभी ये मसाला तैयार कर रहा हूँ मैं, इस मसाले में फिर उसके बाद भागा भागी नहीं हुए, इस हिसाब से पहले से ये मसाले तैयार करके रख रहा हूँ सब साथ में। ये देखो ये हरा धनिया, ये मैंने अभी अभी सारे मसाले काट के कंप्लीट करके रख दिए। अब दोस्तों इसमें एक कढ़ाई लो, कढ़ाई लेने के बाद उसमें ऑयल डालो, ये ऑयल ये देखो ऑयल लो, सरसों का ऑयल कोई सा भी आप जो खाना चाहते हो वो ऑयल ले लो। वो ऑयल लेने के बाद प्याज लो, अब ऑयल को गर्म होने दो। गर्म कैसे होगा आपको मालूम है, अब इसको आने दो ऑयल। अब दोस्तों ये ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डालो अपन, जीरा डालने के बाद अब देखो ये जीरा हो गया। फिर उसके बाद
प्याज डालो। हाँ प्याज डालो, ये देखो प्याज। प्याज डालने के बाद अबे इसको सुनहरे कलर में होने दो, प्याज सुनहरे कलर होंगे ना जब तक पकने दो। ये देखो अभी सुनहरे होने दो इसको, सुनहरे होने के बाद सुनहरे होने दो। अभी सुनहरे नहीं हुए इनको, पूरी तरह ये प्याज को पकने दो। तेल ऑयल में इसको फ्राई होना चाहिए, ऑयल में फ्राई होने के बाद ये सुनहरे हो जाएंगे पूरे प्याज। सुनहरे होने के बाद थोड़े से, हाँ अब इसमें डालो ये कद्दूकस की हुई है मिर्ची और लहसुन। अब इसको चलाते रहो, ये भी हल्की सुनहरी हो जाएगी, हल्की से सुनहरी होने के बाद डाल दो। ये है इसमें मसाले, देखो ये मसाले। फिर उसके बाद छोला मसाला है ना, ये रामदेव का छोला मसाला देखो। फिर इसमें अब ये देखो ये पूरे सुनहरे हो गए, अब ये पूरे मिर्ची वगैरह सब पक गए। उसके बाद अब ये डालो, पहले हल्दी डालो, फिर ये है धनिया पाउडर स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर और ये मिर्ची, मिर्ची पाउडर है जितना आपकी क्या चाहिए उतना चाहिए क्या डालो, या एक चम्मच या दो चम्मच या उससे अधिक। ये है नमक, स्वाद के अनुसार नमक रहेगा। ये स्वाद के अनुसार नमक है। अब इसको देखो फ्राई करते रहो। अब ये मसाला पूरी तरह कंप्लीट हो जाए पक के, ये कंप्लीट हो गया समझ लो, मसाला अपना कंप्लीट है। फिर ये टमाटर डालो, ये कटा हुआ टमाटर है। चलो अब ये पानी डालो, ये पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको हिलाओ। फिर इस गैस को फुल स्पीड में तैयार करो, तैयार करो ऐसा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये छोले मसाले डाल दें इसमें, ये देखो छोले मसाला, रामदेव छोला मसाला। अब इसको हिलाना पड़ेगा आप माइस में, डालने के बाद इसकी खुशबू वगैरह आप देखना। अब ये देखो ये चने उबले हुए, पहले भिगोए फिर उबले, फिर उबलने के बाद अब ये चने देखो, मसाला पूरा कंप्लीट हो गया इसका, ये मसाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये चने डालो, चने डालते रहो, डालने के बाद ये चने डाल दिए इसमें, बुड़क गया। ये पूरी तरह अपना हो गया कंप्लीट। अब हरे धनिया डालो, ये पूरी तरह से हरे धनिया डालने के बाद ये देखो आप होटल जैसी, होटल